नोबल पुरस्कार। सन 1951 में सूकी को शांति के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था जबकि वह नज़रबंद थीं। उनके अनुपस्थिति में उनके पुत्र ने नोबल पुरस्कार प्राप्त करते हुए भाषण दिया था। उसके अंश निम्नलिखित हैं। वह ये भाषण कुछ इस तरह देंगी कि ये नोबल पुरस्कार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के नाम पर लेंगी। ये पुरस्कार भी उन्हीं का है। बर्मा में अनेक वर्षों से एक लंबा संग्राम चल रहा है जो कि शांति, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के लिए है। उसमें जीत भी उन्हीं की होगी। मेरे अपने विचार में वे अपने संपन्न और त्याग की एक ऐसी निशानी बन गई है जिसकी द्वारा आप बर्मा के नागरिकों की दुर्दशा देख सकते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की परेशानियां, जो बर्मा की आशा हैं, जो बर्मा के जंगलों में भागकर छुप गए हैं और जिनकी मलेरिया से मौत हो रही है, कैदियों को जेल में यातनाएं दी जाती हैं। अंत में वो कहती कि बर्मा में लोकतंत्र के लिए जो संग्राम हो रहा है वो वहाँ के लोगों का संग्राम है जिसके ज़रिए वे इस विश्व समुदाय में एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन स्वतंत्रता और बराबरी से जीना चाहते हैं।